हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 21 फरवरी 2024। से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। 10वीं व 11वीं शताब्दी की दुर्लभ सांवर गणेश की मूर्ति किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिलासपुर, महासमुंद, बस्तर, मुंगेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिलासपुर जिले में यहाँ स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में इटवापाली में स्थित ऐतिहासिक मंदिर से 10वीं व 11वीं शताब्दी की दुर्लभ संभर गणेश की 2 करोड़ की कीमत वाले ग्रेनाइट की मूर्ति करीब 3 फीट ऊंची व 65 किलो वजनी है, जो आज 5वीं बार चोरी हो गई। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। ग्रामीणों के बताए अनुसार सुबह सुबह जब मंदिर का दरवाज़ा खोलने गए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और गर्भगृह से मूर्ति फिर से गायब है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल मस्तूरी पुलिस को दी। मौके पर मस्तूरी पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जो पूछताछ कर रही है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, यह कितनी बार चोरी हो गया है? तो यहाँ 5वीं बार चोरी हो गया है। और यहाँ किस जिले में स्थित है? तो यहाँ बिलासपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। विश्व कराटे चैम्पियनशिप 2024 में स्नेहा बंजारे ने कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, कांस्य पदक, रजत पदक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर पदक जीत हासिल किया है। किसने? तो स्नेहा बंजारे ने। चलिए क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के होनहार खिलाड़ी स्नेहा बंजारे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने UAE में आयोजित विश्व कराटे चैम्पियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीत हासिल किया है। स्नेहा ने सीनियर वर्ग के कौन सा 68वां किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त कर पूरे देश की गौरवान्वित की है। इस प्रतियोगिता के लिए भारत के 49 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। ठीक है, कितने खिलाड़ियों का? तो 49, जिसमें छत्तीसगढ़ से इस स्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी रही है। ये आयोजित कहाँ किया गया? तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, विश्व कराटे चैम्पियनशिप। ठीक है, और 68वां जो किलोग्राम भार का, उसमें सिल्वर मेडल जीत कर, ठीक है, पूरे देश की मान बढ़ाया है और हमारे छत्तीसगढ़ का भी। ठीक है, और कितने खिलाड़ियों का यहाँ से चयनित किया गया था? तो 49 खिलाड़ियों का चयनित किया गया था, जिसमें हमारे कोरबा जिले के स्नेहा बंजारे ने जीत हासिल किया है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा बोटकाम सराई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर, रायगढ़, कांकेर, सूरजपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजापुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बीजापुर जिले में युवाओं के प्राकृतिक की गोद में बसे एक नए
जलप्रपात की खोज की गई है। अंदरूनी इलाके में स्थित बोटकम सराय जलप्रपात देखने में तो छोटा है, लेकिन इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और पानी का रंग काफ़ी प्रभावित कर रहा है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखने में बहुत ही मनमोहक झरना है, ठीक है। और यहाँ किस जिले में स्थित है, तो यहाँ बीजापुर जिले में स्थित है, और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। हाँ, और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सीरीज डलेगा, नहीं तो जैसे जो ऑप्शनों वाला चल रहा था वैसी वाला चलेगा। तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दें।